स्वच्छ और भारत में मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। इसी बीच नई पार्टी जय महाभारत पार्टी भी अपनी दावेदारी को लेकर जनता के बीच आएंगी। आइए उनके हम प्रेसिडेंट से बात कराते हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे होंगे इस पूरे चुनाव में। सर मुद्दा क्या होगा इस पूरे चुनाव में? पहले देखिए मुद्दा तो बहुत सारा मुद्दा है, ये तो आप सब भी जानते होंगे। जिस तरह बिहार की जो हालात है, कोरोना जैसी घातक बीमारी, और फिर उसके बाद देखिए बाढ़ से जो है उत्तर बिहार पूरा डूबा हुआ है। मुख्यमंत्री जी अपने कमरा में एसी में जो है बंद हैं। वो सिर्फ एक बार हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया, उसके बाद हमने कभी उनके हवाई जहाज या उनका हमने ये नहीं देखा कि भाई बिहार में बाढ़ की हालत क्या है और लोग क्या परेशान है, राहत मिली कि नहीं मिली। आप कहीं भी ग्रास रूट पे चले जाइए, बाढ़ पीड़ित इलाके में चले जाइए, ऐसा कोई भी वहां पे मदद नहीं मिल जा रहा है। एनजीओ और हमारी जो पार्टी है, हमने खासकर अभी जो है कई जिलों में जहां बाढ़ पीड़ित इलाका है वहां राहत देने का हम लोगों ने काम किया है। तो पूरा मुद्दा क्या होगा पूरे चुनाव में, बस बाढ़ और कोरोना ही मुद्दा होगा? नहीं, हमारे मुद्दे बहुत, हमने कहा ना, बेरोजगारी है, महिलाओं पे अत्याचार है, बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा है आपका जो है, बिहार में बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी है, बहुत सारे युवा फुटबॉलर है जो बिहार में जो खिलाड़ी जो मेडल ले चुके हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को जो है वो दिखा चुके हैं कि हम एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। बिहार सरकार उसको सम्मानित नहीं करती, खेल कोटे से नौकरी नहीं देती। अभी देखिए कम से कम सैकड़ों खिलाड़ी ऐसे अभी पड़े हुए हैं जिनको जो है नौकरी देने का काम जो है सरकार ने वैकेंसी निकाल करके, और प्रधान सचिव स्तर पर जो है इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है बिहार के खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम। तो हमारा मुद्दा खेल और खिलाड़ी भी होगा। बिहार में रणजी ट्रॉफी को मान्यता मिली, लेकिन आज हमारे बिहार में स्टेडियम नहीं है। आज हम भाड़े पे लेकर के जो ऊर्जावान स्टेडियम में आप जो है ऑर्गेनाइज करते हो, अभी आप मंडूल हाग स्टेडियम में जाए, तो बहुत सारे मुद्दे हमारे ग्रास रूट पे हैं, आम पब्लिक की है जो उसका काम नहीं हो पा रहा है। और जय महाभारत पार्टी हमारी जो पार्टी है, जब हम सत्ता में आएंगे, जब हमारे एमएलए जीत कर आएंगे, तो हमारे एमएलए का जो है कार्यालय और उनका आवास वो क्षेत्र में होगा, और वो हफ्ता में कम से कम जो है वो 3 दिन बैठेंगे जनता की समस्या का समाधान करने। जैसे कि आपने कहा 243 सीट पे अपनी चुनाव लड़ेंगे, बूथ कमेटी स्तर तक आप गठित कर लें, बड़ी पार्टी से आप लोहा लेने जा रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है उसके सामने आपकी पार्टी खड़ी होने जा रही है, पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, जनता के बीच जाएगी अपनी दावेदारी को लेकर, तो क्या लगता है कि बूथ स्तर तक आपकी कमेटी की गठित किया गया है? देखिए हम लोगों की पार्टी अभी जो है विस्तारित हुई है बिहार में, और हम लोगों ने प्रखंड और पंचायत स्तर पर पहुंचने का काम किया है। हमने पंचायत स्तर पे कम से कम 50 युवा जो हमारे सक्रिय जो हमारे लोग हैं हमने बनाने का हमने काम किया है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको दिख जाएगा कि जय महाभारत पार्टी की क्या हैसियत है और हम लोग जो है उसका परफॉर्मेंस क्या होगा। खुद अपने दम पे सरकार बनाने की बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं तो कह रहा हूं ना, जय महाभारत पार्टी जितनी भी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है सबका जमानत जब्त हम करेंगे, हमारी पार्टी करेगी, और मैं अध्यक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने जनता अपने पदाधिकारी को किस तरह उनको ऊर्जा देना है, किस तरह काम करना है, उसकी रणनीति के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमारे जो चुनाव प्रभारी जो है प्रणामी देवी जी आई हुई हैं, तो इनके नेतृत्व में और हम लोग इनके आशीर्वाद से और हम लोग जो है एक रणनीति हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कि आखिर हम लोग को करना क्या है। ये थे फैजल अहमद जो कि बता रहे थे किस तरह से चुनाव का मुद्दा होगा और किस तरह से जनता के बीच वो जाएंगे अपनी दावेदारी को लेकर। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं 2020 में इनकी पार्टी, देखना होगा जनता कितना भरोसा और इन पर विश्वास जताती है। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित खत्री, शॉर्ट भारत न्यूज़ पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।